उदाहरण 10। एक सीधी सड़क एवं भवन के पाद तक जाती है। भवन के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कार भवन के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 30 मीटर चलने के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। यदि इस बिंदु से भवन के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय 10 सेकंड हो तो कार की चाल एवं भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल: माना कि AB भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा BC बराबर x मीटर। दिया गया है कि CD बराबर 30 मीटर, कोण ADB बराबर 30 अंश, कोण ACB बराबर 60 अंश। तब समकोण त्रिभुज ABD में 30 अंश बराबर लंब है AB और आधार है हमारा DB। 30 अंश का मान हम जानते हैं 1/√3 बराबर AB हमारा H है बटा BD का मान हमारा BC धन CB है और BC जो है वो 30 है और धन CB हमारा X है। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें H का मान प्राप्त होगा 30 धन, इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 30 धन x अंश में जाएगा बटा हर वर्गमूल 3। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में 60 अंश बराबर लंब है AB और आधार हमारा BC है। 60 अंश का मान हम जानते हैं वर्गमूल 3 होता है। AB हमारा एच मीटर हमने माना है बटा BC हमने माना है x। तिर्यक गुणा करेंगे हम इसका तो हमें h का मान प्राप्त होगा h बराबर x वर्गमूल 3, जो कि हम इसे समीकरण 2 मानते हैं। आगे देखते हैं समीकरण 1 व 2 से तीस धन x बटा वर्गमूल 3 बराबर x वर्गमूल 3। तिर्यक गुणा करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 30 धन x बराबर वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे x वर्गमूल 3 से तो हमें 3x प्राप्त होगा या x का पक्षांतर करेंगे हम दाएं पक्ष की तरफ तो 3x में से x गया तो 2x बराबर 30 या x बराबर 30/2 बराबर 15 मीटर। इस तरह से हमने x का मान 15 मीटर ज्ञात किया। अतः भवन की ऊंचाई h बराबर x वर्गमूल 3 मीटर है तो हमने x का मान 15 ज्ञात किया तो ये 15 वर्गमूल 3 मीटर हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार बिंदु C
सी से भवन के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार को 10 सेकंड लगते हैं। इसीलिए कार की चाल बराबर हम जानते हैं चाल दूरी बटा चाल का जो सूत्र है दूरी बटा समय है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी हमारे पास 15 मीटर है और समय है हमारा 10 सेकंड। तो इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हमने कार की चाल ज्ञात की 1.5 मीटर प्रति सेकंड। यह इस उदाहरण का हल होगा।